नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके क्लास में। तो 2000 प्रश्नों की सीरीज में हमारी आज की 18वीं क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्न देखेंगे हम संपूर्ण व्याख्या के साथ। बात करते हैं राजस्थान भूगोल इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित 30 प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बात करते हैं 461वें प्रश्न से। तो 461वां प्रश्न है, बात करते हैं जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। जो ये राठौड़ों का यूलिसेस कहा है वो किसे कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। राव चंद्रसेन को, अजीत सिंह को, जसवंत सिंह को, दुर्गादास को। तो जो कर्नल जेम्स टोड था उसने राठौड़ों का यूलिसेस, याद रखना राठौड़ों का यूलिसेस ये किसे कहा था, दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस और क्या कहा गया था, तो उसकी बात करें तो जो कर्नल जेम्स टोड था उसने तो राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। इसे राजपुताने का गैरी बोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजपुताने का गैरी बोल्ड किसे कहा जाता है, तो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राजपुताने का गैरी बोल्ड। और बात करें इसके अलावा तो अपने जो जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह को क्या कहा जाए, कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा कहा जाता है, कान का कच्चा राजा कहा जाता है। और राव चंद्र सेन को तो आप सभी को पता है, मेवाड़ का पथ प्रदर्शक या मेवाड़ जो मतलब महाराणा प्रताप था उसका अग्रगामी या फिर महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है। जो भारतीय लोक कला मंडल है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो भारतीय जो लोक कला मंडल है वो कहाँ पर है, तो उसकी बात करते हैं तो भारतीय लोक कला मंडल है हमारे उदयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी बात करते हैं इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, देवीलाल सामर द्वारा, देवीलाल सामर द्वारा इसकी स्थापना की गई। और बात करें इसकी तो जो यहीं पर उदयपुर में ही जो मतलब कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो हमारा पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो भी उदयपुर में स्थित है। और ये उदयपुर में कहाँ पर स्थित है, बागौर की हवेली में, बागौर की हवेली में। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो मतलब कि अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर से ही संबंधित है। अगला प्रश्न 463वां प्रश्न, तो 463वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है। राजस्थान का प्रथम रोप वे है वो किस जिले में स्थित है, बात करते हैं रोप वे की, तो प्रथम रोप वे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जालौर। तो प्रथम रोप वे है जो वो किस जिले में है, जालौर में, भीनमाल जालौर में। कहाँ पर है प्रथम रोप वे, भीनमाल में है, भीनमाल। और इसकी शुरुआत कब हुई, 2006 में, 2006 में इसकी शुरुआत हुई यानी शुरू हुआ। और किस मंदिर में है, सुंदा माता मंदिर में, सुंदा माता मंदिर में। और हाल ही में 2000 मतलब कि 24 में उदयपुर में एक नया मतलब कि रोप वे स्थापित किया गया। और उदयपुर में अभी दो रोप वे संचालित है, एक तो निम्मच माता रोप वे, निम्मच माता रोप वे जो कहाँ पर है, एपस के पास ही है निम्मच माता मंदिर, कभी चेक करना, बहुत अच्छी जगह है। और करणी माता रोप वे, करणी माता मंदिर जो मनसा पूर्णी करणी माता है उदयपुर में स्थित है, मनसा पूर्णी करणी माता उस मंदिर में स्थापित है मतलब कि रोप वे। ये तो अभी 2024 में चालू हुआ, ये पहले से चालू था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, कोलेमाला ग्रंथ जो है उसमें कितनी क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या उल्लेखित है। जो कोलेमाला ग्रंथ है उसमें कितनी क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 14, 15, 17, 18। तो कोलेमाला ग्रंथ में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, बात करते हैं कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो कोलेमाला ग्रंथ में हमारे 18 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और कोलेमाला ग्रंथ किसका है, उद्योतन सूरी का, किसका, उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। बात करें इसकी जो 18 देशी भाषाएं हैं, 18 देशी भाषाएं, उनमें से जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की भाषा है, राजस्थान के पश्चिम की भाषा उसको क्या कहा है, क्या कहा गया है, मरुभाषा, मरुभाषा ये भी पूछा गया प्रश्न है, मरुभाषा कहा गया है। और उद्योतन सूरी का कोलेमाला ग्रंथ है, पिछली बार सीईटी का जो पेपर हुआ था ग्रेजुएशन वाला उसमें यह प्रश्न था कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न है, जो गोना रस्म है, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म जो है वो किससे संबंधित है? तो बात करते हैं गोना रस्म की, तो गोना रस्म जो है हमारे किसे मुंडन विवाह नामकरण यज्ञ, तो गोना रस्म रस्म जो है वो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विवाह से संबंधित है। जब मतलब कि शादी हो जाती है उसके बाद जो लड़की अपने ससुराल जाती है, फेरों के बाद जो लड़की ससुराल जाती है उसे कहते हैं गोना मुकलावा, या और क्या कहते हैं आनो। ये जो है वो राजस्थानी मतलब की रीति रिवाज में संबंधित है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। कोना मुकलावा आनो जो है वो जो शादी के बाद प्रथम बार लड़की ससुराल जाती है उसे वो कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है शहरिया जनजाति में पुरुष वर्ग की अंगरखी को क्या कहते हैं? जो शहरिया जनजाति में पुरुष वर्ग की अंगरखी जो होती है उसको क्या कहते हैं? खपटा, पंचा, सल्लू का, कू। तो शहरिया जनजाति में जो पुरुष वर्ग की अंगरखी होती है उसको क्या कहते हैं? अंगरखी को क्या कहा जाता है? सल्लू का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंगरखी को तो सल्लू का कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, अंगरखी को सल्लू का कहते हैं। पंचा, पंचा जो है वो किसे कहते हैं? तो पंचा जो होता है घुटने तक ऊंची, जो घुटने तक ऊंची धोती, ऊंची धोती को क्या कहते हैं? पंचा कहते हैं। और बात करें खपटा की, तो खपटा किसे कहते हैं? खपटा जो है वो शहरी पुरुषों का सापा होता है, शहरी पुरुषों का सापा, नोट कर लीजिएगा। जनजाति से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और जनजातियों की वेशभूषा से भी प्रश्न पूछा जाता है। कू, कू जो है वो पीलों के घर को कहते हैं, पीलों के घरों को क्यों कू कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और 10 से 12 घरों के समूह को क्या कहते हैं? कू के समूह को कहते हैं पाल कहते हैं, क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। अगला प्रश्न है केसरिया जी का मेला भरता है, जो केसरिया जी है उनका मेला परबतसर, किराड़ू, चादरापाटन, दुलेव। तो केसरिया जी का मेला कहाँ पर भरता है? दुलेव में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दुलेव कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है दुलेव। दुलेव में केसरिया जी या जिन्हें क्या कहते हैं, केसरिया जी को क्या कहते हैं? आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ या फिर ऋषभदेव इन्हें कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है दुलेव उदयपुर में। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? सकराई माता, करणी माता, आई माता, जीन माता। तो बिलाड़ा का संबंध जो है किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध है हमारे आई माता से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आई माता का मंदिर स्थित है बिलाड़ा कहाँ पर? जोधपुर ग्राम में, जोधपुर ग्रामीण, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। और बात करें आई माता की, तो आई माता ने आई पंथ चलाया था, कौन सा पंथ? आई पंथ चलाया था। आई माता जो है सीरवी जनजाति की कुल देवी है, सीरवी जनजाति की या सीरवी जाति की, सॉरी सीरवी जाति की कुल देवी है। ये हो गई आई माता के बारे में जानकारी। और इनकी इनकी आंखों से मतलब इनकी जो दीपक से केसर टपकती है उससे आंखों पर लगाने से नेत्र रोग समाप्त हो जाए, ये भी कहावतें हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर के निकट समरातल किसने अपना धर्मस्थल या कर्मस्थल बनाया था? जो बीकानेर के निकट समरास्थल है, समरातल जो है वो किस संप्रदाय का, यानी कि या फिर किस जो मतलब कि हमारे संत हुए थे उनका कर्मस्थल बना था? गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी, जाम्बो जी। तो जो समरातल है, समरातल जो है वो किससे संबंधित है? जाम्बो जी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जाम्बो जी से संबंधित है समरातल। और जाम्बो जी की बात करें तो जाम्बो जी जो है उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णोई संप्रदाय की, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और विष्णोई संप्रदाय जो है वो उसकी स्थापना कहाँ पर की? तो उसकी स्थापना यहाँ पर की हमारे समरातल बीकानेर में। और बात करें विष्णोई संप्रदाय की, तो विष्णोई संप्रदाय जो है समरातल जो है नोक में है, कहाँ पर है? नोक में है। इसकी 29 नियम है, इसके इस संप्रदाय के कितने नियम है? 29 नियमों की पालना की जाती है। और जाम्बोजी जो है उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, कौन से वैज्ञानिक? पर्यावरण वैज्ञानिक, ये भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कुंडों और बावड़ियों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो कुंडों और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं कोटा की, कोटा को औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। बात करें कुंडों और बावड़ियों के लिए किसको जाना जाता है? बूंदी को। कुंडों और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। और यहाँ पर स्थित रानी जी की बावड़ी, यहाँ पर स्थित रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण सन 1699 में, सन 1699 में नाथावती द्वारा। और नाथावती कौन थी? ये तो राव अनिरुद्ध की पत्नी, राव
अनिरुद्ध की, पता नहीं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है राजस्थान में, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? जो राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ, अजमेर का विलय किस, मतलब कि अजमेर मेरवाड़ा जो था उसका विलय किस चरण में हुआ था? तो हमारे बात कर ले, सातवें चरण में हुआ था। और सातवें चरण में इसका विलय हुआ उससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिलाल शारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभा उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। तो अजमेर मेरवाड़ा के मतलब कि प्रथम और एकमात्र सीएम, प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री जो थे वो हरिलाल हरिभा उपाध्याय थे, हरिभा उपाध्याय थे। और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था एक, जो सातवें चरण में इसे मिलाया गया था। और सातवें चरण में आप सभी को कमेंट करना है कौन सी समिति, कौन सी समिति के मतलब की सिफारिश पर इसे मिलाया गया था। तो कौन सी समिति होगी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। और आप सभी इसके लिए आप सभी एक बार सर्च करना, मतलब कि आप सभी अगर याद हो आपको भी तो कमेंट करना कि राज्य पुनर्गठन आयोग समिति जो है उसमें सदस्य कौन कौन थे और इसका मेन उद्देश्य क्या था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जो 1949 में वृहद राजस्थान बना था उसका मतलब कि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आप सभी कमेंट करके बताइए वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो हम तब तक बात करते हैं वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मिली थी? एक जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जे जे बी, मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये चारों बड़ी रियासतों का मतलब कि क्या हुआ था? तो इसमें विलय हुआ था राजस्थान में, उसी कारण 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया था। और हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, इस कारण मिलाया गया मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान की बड़ी रियासतें जो थी वो राजस्थान के में विलय हो गई थी, यानी पूरा राजस्थान का लगभग लगभग पूरा मैप तैयार हो गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? कुकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयपुर से संबंधित थे हीरालाल शास्त्री जो सीएम थे। और इस समय राज प्रमुख से बनाया गया था, राज प्रमुख, राज प्रमुख थे मानसिंह, कौन थे? मानसिंह। और बात करें महाराज प्रमुख, एकमात्र महाराज प्रमुख कौन बने थे? भोपाल सिंह, महाराज प्रमुख एकमात्र बने थे भोपाल सिंह। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, कौन सा? मानगढ़ धाम हत्याकांड, वो किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो ये किससे संबंधित है? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में, मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था, और यहाँ इसमें 1500 से ज़्यादा वीर शहीद हुए थे, कितने? 1500 से ज़्यादा वीर शहीद हुए थे। और बाकी सब तो आपको पता ही होगा कि इस किससे संबंधित, गोविंद गिरी से संबंधित थे। पर यहाँ पर फायरिंग करने वाले कौन कौन थे? तो यहाँ पर फायरिंग करने वाले थे कर्नल सटन, मेजर हेमिल्टन, और कौन थे? कर्नल एस बेले, और कौन था? एक और था कर्नल स्टोकले। और किसके आदेश पर फायरिंग हुई थी? तो मेजर कर्नल सटन के आदेश पर फायरिंग हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंदोलन की चर्चा इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट कीजिए कि किस आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। और इसके अलावा जो बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन और भगत की आंदोलन, तो कौन से आंदोलन की चर्चा मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो सीकर किसान आंदोलन की, सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। और इसके अलावा किस मतलब कि किस कांड की चर्चा हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में? तो कूदन कांड की, कूदन जो कांड हुआ था उसकी मतलब की चर्चा भी हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। और कूदन कांड में जो आरोपी थे उन्होंने सजा भी मिली थी। सीकर किसान आंदोलन या सेकावटी किसान आंदोलन जिसे कहते हैं अपन, उसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी बात करें तो इसे क्या कहते हैं? जकात आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जकात आंदोलन भी कहा गया है। और बात करें इसकी, तो ये जो है वो इससे संबंधित जो थे वो रामनारायण चौधरी प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 1938 के करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ठाकुर पूरण सिंह, हुकमचंद, त्रिलोक चंद माथुर, नारायण सिंह। तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के साथ में और कौन थे? तो चिरंजीलाल मिश्र, ये किसके साथ में थे करौली प्रजामंडल की स्थापना में?
त्रिलोकचंद माथुर के साथ थे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न कौन सा है, तो आगीबाण जो पत्रकारिता थी उसके संस्थापक कौन थे, जयनारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। तो आगीबाण के संस्थापक कौन थे, तो आगीबाण के संपादक, जो आगीबाण के संपादक थे वो जयनारायण व्यास थे। जयनारायण व्यास की अन्य मतलब की पत्रिकाओं की बात करें तो पीप एक अंग्रेजी पत्रिका थी, और इसके अलावा कौन कौन सी थी, तो जयनारायण व्यास की ओर थी अखंड भारत, और तरुण राजस्थान जो था, राजस्थान सेवा संघ द्वारा निकाला जाता था, उसमें भी इन्होंने मतलब कि आर्थिक सहायता दी थी जयनारायण व्यास ने। और बात करें इनकी इनकी पुस्तकों की बात करें तो मेवाड़ जो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबेरी पोल, ये इनकी मतलब कि पुस्तकें हैं। और इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता था, अगला प्रश्न, है किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक ने अपना नाम जुड़ा था, यानी किस समाचार पत्र के साथ राजस्थान जो विजय सिंह पथिक था उसका संबंध था, या राजस्थान सेवा संघ का संबंध था। राजस्थान केसरी, राजपुताना गजट, राजस्थान समाचार, राजपुताना समाचार। तो किसके साथ संबंध था, राजस्थान केसरी के साथ। राजस्थान केसरी का संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक, और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा इन्होंने निकाला था। और बात करें राजस्थान केसरी के अलावा तो नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये सब तीनों पत्रकारिताएं किस किस से संबंधित थे, विजय सिंह पथिक से, विजय सिंह पथिक या राजस्थान सेवा संघ से। जो राजपुताना समाचार पत्र है, राजपुताना समाचार पत्र जो है उसके मतलब की संपादक कौन थे, समर्थन दास, दास चारण। अगला प्रश्न, है राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, कैप्टन ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन हिथकोट। तो 1857 क्रांति के समय यहाँ के मतलब कि क्रांति के समय एजीजी कौन थे, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो थे वो मतलब कि यहाँ के एजीजी थे, वो राजस्थान के फर्स्ट एजीजी, वो कौन थे, तो मिस्टर लोकेट, जो थे वो फर्स्ट एजीजी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर कमेंट कीजिए महकमा खास की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी। तब तक बात करते हैं शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने। तो महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई, महाराणा शंभू सिंह द्वारा, जो थे उनके द्वारा मतलब कि राजस्थान में महकमा खास की स्थापना की गई, उदयपुर में की गई ये स्थापना। और कब की गई, तो इसकी बात करें तो कब की गई, 1869 में, 1869 में इसकी स्थापना की गई। और महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किसकी स्थापना की गई, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा इजलास खास, की स्थापना की गई। और इजलास खास की स्थापना कब की गई, 1877 में, यह भी उदयपुर में की गई। अगला प्रश्न, है चिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1544, 1644, 1542, 1740। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो कब लड़ा गया, 1544 को, जून 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, और इस युद्ध में जो विजय हुआ था शेरशाह सूरी हुआ था। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध युद्ध में विजय होने के बाद कहा था कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, इतनी जो वीरता के साथ जेता और कूपा लड़े थे मालदेव की तरफ से, जेता और कूपा इतनी साहस के साथ लड़े थे कि मतलब कि दिल्ली का जो शेरशाह सूरी था उसके मुंह से ये निकलवा दिया था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और 1644 में, 1644 में कौन से, मतीरे की राड भी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ किया था 1585 में, जयपुर का कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ किया था, बारमल, भगवान दास, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो कौन सा जो मतलब कि जयपुर का शासक था 1585 में, 1585 में किसने किया था, भगवंत दास ने किया था, भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ किया था। बारमल ने फर्स्ट वैवाहिक संबंध बिठाए थे मतलब कि मुगलों के साथ। तो बारमल ने कब दीनता स्वीकार की थी मुगलों की, तो कमेंट करके आप बताइए मुगलों की दीनता सबसे पहले बारमल ने कब स्वीकार की थी। अगला प्रश्न, है बरछान, या बरखान है, या फिर बरखान क्या है, रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियाँ, झीले। तो बरखान या फिर बरछान जो है वो क्या है, रेत के टीले हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, कौन से, अर्ध चंद्राकार।
अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। और बात करें अर्धचंद्राकार रेत के लिए सर्वाधिक कहाँ पर? पालेरी चूरू में, पालेरी चूरू में। और बात करें इनकी तो ये जो है अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं बरखान, ये सबसे नुकसानदायक होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और बात करें इनकी तो ये जो है वो इनके बीच में जो मतलब कि निम्नतम स्थान होता है, जो अर्धचंद्राकार बीच जो बरखान होते हैं, बरखान के बीच में जो न्यूनतम स्थान होता है यानी नीचा स्थान होता है, उसे रोही कहते हैं, रोही का मैदान कहते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान होते हैं रोही का मैदान। रोही का मैदान ज़्यादातर कहाँ पर? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में है। और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में भी ज़्यादा है, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में ज़्यादा है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कुबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, होराट, कीरवा, थली। तो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भाकर कहा जाता है उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को। होराट, होराट का पठार जो है उसे किसे कहते हैं? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार को, पठार जो है उसको क्या कहते हैं? घोराट का पठार कहते हैं। उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है कीरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर में स्थित जो तस्करनुमा पहाड़ियाँ उन्हें कीरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। थली, थली जो है वो थली किसे कहा जाता है? आप सभी कमेंट करके बताइए थली किसे कहा जाता है। ये लूणी नदी से संबंधित है तो कमेंट करके बताइएगा थली किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी अवधि कितनी होती है? जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जून से अक्टूबर, मई से अगस्त। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो आता है राजस्थान में, उसकी अवधि होती है जून से सितंबर, जून से सितंबर होती है। और राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती है उन्हें पूर्विया कहा जाता है, पूर्विया कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। और राजस्थान में दो शाखाएं प्रवेश करती है मानसून की, एक तो अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और एक कौन सी? तो बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोम, सिरोज में भूरी रेतीली मिट्टी। तो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, भूरी, सॉरी, सिरोज नहीं, सिरोज में मिट्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिरोज में मिट्टी जिसे कहते हैं भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, छारी मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, तो राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः गग्गर नदी घाटी में किस क्षेत्र में नहीं देखा जाता? सूरतगढ़, बोरपाल, मानकतर, खंडेला। गग्गर नदी जो है उसका मतलब कि बाढ़ किस क्षेत्र में नहीं आती है? तो खंडेला, खंडेला जो है वो सीकर में स्थित है, बाकी गग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। सूरतगढ़, बोरपाल और मानकतर, ये तीनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, किससे? गग्गर नदी से। 2023 में आया हुआ प्रश्न है तो इस साल भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न 423वां, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में की अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, सागी, गग्गर। तो कौन सी नदी जो है वो अंतर प्रवाही नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सागी नदी। सागी नदी जो है वो अंतर प्रवाही नदी नहीं है। किस कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा जालौर से, जसवंतपुरा जालौर से निकलती है, चवई नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। ये 2019 में संशोधन के बाद किया गया, उससे पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु था। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, यानी अध्यक्षों और सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति मतलब कि एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो किसके द्वारा बनाई की जाती है? राज्यपाल द्वारा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो किसी इस समिति की सिफारिश पर बनाई जाती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बाकी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा का विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1948, 1949, 1956। तो आप सभी इसकी कमेंट कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सबसे पहले बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर में।
अजमेर में स्थापित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आप सभी कमेंट करके बताना राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, और एग्जैक्ट डेट भी लिखकर कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करके बताना, और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।